गीता आज के संदर्भ में अध्याय 2 श्लोक 4 कथम भीष्मेहं संखे द्रोण च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा ह वरिसूदन। कृष्ण ने अर्जुन की नस पर हाथ रखा है लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। वह दूसरे सिरे से बात करता है। वह कहता है द्रोण को जो मेरे गुरु हैं और भीष्म जो मेरे पूजनीय हैं उन पर कैसे आक्रमण करूं? यही विचारणीय है। यहाँ भीष्म और द्रोण दोनों गौण हैं। अर्जुन कह रहा है मैं कैसे आक्रमण करूंगा? इतना बुरा नहीं हूं कि गुरु पर बाण चलाऊं, इतना बुरा नहीं कि जिनकी गोदी में बैठकर खेला उनकी छाती को छलनी कर दूं। नहीं, यह मुझसे ना हो सकेगा। गहरे में खोजें तो पता चलेगा। उसका कहना है कि ये जो मेरी प्रतिमा है, ये जो मेरा इमेज है, ये जो मेरा सेल्फ क्रिएटेड इमेज है, मेरी ही निगाहों में जो मैं हूँ उसके लिए ये असंभव है। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल कि मैं जो अपना इमेज जैसा क्रिएट करके खड़ा हूँ वो मेरे से खिलाफ, मेरे अगेंस्ट ये सब हो रहा है। और वह इससे तो बेहतर है, वो कहना चाहता है कि हे मधुसूदन मैं मर जाऊं। इससे तो अच्छा है कि प्रतिमा बचे, मेरा इमेज बचे, चाहे मैं खो जाऊं, अहंकार बचे, मैं खो जाऊं। मजेदार बात यह है कि हर आदमी को अपनी अपनी प्रतिमा को बचाने में प्रयास करना पड़ता है। गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है वो कहता है यदि आकाश में बादल घिरे हैं तो हर आदमी उनमें अलग अलग चीज़ें देखता है, अलग अलग उनका वर्णन करता है। पर्ल बक ने एक आत्मकथा लिखी अपनी जिसका टाइटल उसने दिया माई सेवरल वर्ड्स, मेरे अनेक संस्कार। ऐसे ही अर्जुन अपनी दुनिया में जी रहा है। कृष्ण कुछ कहते हैं, वह कुछ और कहता है। कृष्ण अनार्य की बात करते हैं, वह कुछ और बात उठाता है। सभी बातें जो बोली जाती हैं हम सुनते नहीं हैं। हम अक्सर वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सभी जो दिखाई पड़ता है वह हम देखते नहीं हैं। हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सभी जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ा नहीं जाता। हम वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा पढ़ना सब सिलेक्टिव है। शायद इसीलिए अर्थ का अनर्थ होता रहता है। और जब, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही दिखाई पड़ता है। और जब हम मैं को हटाकर, हम को हटाकर इस दुनिया को देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारी सृष्टि की व्याख्या कुछ और ही होगी। जय श्री